हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इन द अर्लियर वीडियो इन द लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिसोर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट एंड वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो कंटिन्यूइंग टू दैट, टुडे दिस इज द लेक्चर 3 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल गाइस। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी इन द इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर सब्जेक्ट्स। ओके, रिमेंबर गाइस, दिस सब्जेक्ट्स बेसिकली इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिसाइडिंग योर गुड मार्क्स इन द फर्दर विकन से सेमेस्टर एग्जाम। ओके, सो यू हैव टू फॉलो ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो लेट अस कम टू आवर द वीडियो गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एजेंडा टुडे? ओके, सो टुडे एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, वेयर देयर आर बेसिकली लॉट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, पर यूनिट मॉडल, सेगमेंटिंग मॉडल एंड कॉस्ट इंडेक्स मॉडल। ओके, एंड लेटर वी विल डिस्कस सम मोर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ओके, सो लेट अस कम टू आवर फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन होता क्या भाई। ओके, सो इट इज क्लियर फ्रॉम द बट कॉस्ट एस्टिमेशन मीन्स टू एस्टिमेट द कॉस्ट का। ओके, सो इट इज अ मेथड बाय विच वी ट्राई टू फाइंड द पॉसिबल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स हेयर वी बेसिकली ट्राई टू फाइंड द व्हाट इज द पॉसिबल कॉस्ट, मीन्स व्हाट इज द टोटल एस्टिमेट। ओके, सपोज बेसिकली यू आर प्लानिंग फॉर अ बर्थडे पार्टी और वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग, देन बिफोर डूइंग दैट यू आर बेसिकली मेकिंग अ एस्टिमेट दैट कितना खर्चा आ सकता है भाई, व्हाट आर द पॉसिबल कॉस्ट दैट इज बेसिकली मे अराइज इन द बर्थडे पार्टी। ओके, सो यू केम टू पार्टिकुलर वैल्यू। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस वी कॉल्ड बेसिकली सिंपली एज अ कॉस्ट एस्टिमेशन। ओके, मीन्स टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफिनेशन में मैंने लिखा दैट मेथड बाय विच वी ट्राई टू फाइंड द पॉसिबल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आई होप क्लियर। लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिफरेंस कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल यू हैव टू स्टडी। ओके, सो एक्चुअली हेयर यू कैन क्लियरली बी लाइक देयर आर फाइव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल यू हैव टू स्टडी। फर्स्ट इज द पर यूनिट मॉडल, सेकंड इज द सेगमेंटिंग मॉडल, थर्ड इज द कॉस्ट इंडेक्स मॉडल, फोर्थ इज द पावर साइजिंग मॉडल एंड लास्ट वन विल बी द लर्निंग कर्व मॉडल। ओके, सो दीज आर द वेरियस कर्व कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल दैट यू हैव टू स्टडी एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट टू सेमेस्टर एग्जाम 2। ओके, सो चलिए बात करते हैं अबाउट द इच कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू अवर दैट द पर यूनिट मॉडल का। ओके, सो इट इज अगेन क्लियर फ्रॉम द बट पर यूनिट मॉडल मीन्स इन दिस मॉडल बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड और बेसिकली वी ट्राई टू एस्टिमेट द कॉस्ट बाय पर यूनिट मीन्स ऑफ अ सिंगल यूनिट हेयर वी कंसिडर एंड आफ्टर दैट वी बेसिकली जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद टोटल नंबर ऑफ यूनिट दैट यू हैव टू परचेज। ओके, सो लेट अस कम टू द स्लाइड। ओके, सो हेयर कैन क्लियर दिस इज अ सिंपल बट यूजफुल मॉडल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, दिस इज बेसिकली एक्चुअली अप्लाई फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यू कैन से कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और यू कैन से कार्टून इंडस्ट्री, सो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री दे बेसिकली अप्लाई दिस मॉडल। ओके, सो व्हाट हेयर बेसिकली डू दे? ओके, सो दे बेसिकली डू दे एस्टिमेट फॉर अ सिंगल यूनिट। ओके, मीन्स सबसे पहले एक यूनिट का भाई सिंगल एस्टिमेट कर लें। ओके, एंड आफ्टर दैट बेसिकली दे विल मल्टीप्लाई द एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट टाइम टू द नंबर ऑफ यूनिट। ओके, मीन सपोज लेट अस कंसिडर दैट टोटल कंप्यूटर और बेसिकली लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल द टोटल बिस्किट पैकेट यू हैव टू फॉर्म इज 15। ओके, सो दे विल बेसिकली व्हाट विल डू, दे विल बेसिकली जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, दे ट्राई टू फाइंड द कॉस्ट और एस्टिमेट ऑफ सिंगल मीन्स सिंगल पैकेट। ओके, सो सिंगल पैकेट कॉस्ट इज सपोज लेटेस्ट वी कंसिडर सच एज 5। ओके, सो देयर बेसिकली दे मल्टीप्लाई 5 × 15। सो दिस इज बेसिकली आवर पर यूनिट मॉडल। ओके, हियर यू कैन क्लियरली विजुलाइज वन एग्जांपल आई हैव आल्सो सेड बिसाइड्स द बिस्किट्स। ओके, हियर यू कैन क्लियरली विजुलाइज दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर मेकिंग मार्बल फ्लोर इज ₹120 पर स्क्वायर फीट, मीन्स पर स्क्वायर फीट देयर इज ₹120। ओके, सो सपोज दे वांट टू बेसिकली एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर फीट, देन व्हाट विल डू, सिंपली मल्टीप्लाई। ओके, मीन्स इट इज सिमिलर टू द यूनिटरी मेथड। ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी, मीन्स वेयर वी सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई विद वेरियस नंबर ऑफ यूनिट दैट वी हैव टू परचेज। सो दिस इज द पर यूनिट मॉडल, आई होप क्लियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, दैट इज द सेगमेंटिंग मॉडल गाइस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट टू योर एग्जाम 2। ओके, सो दिस इज अवर द सेगमेंटिंग मॉडल। सो व्हाट यू आर बेसिकली डू, अगेन क्लियर फ्रॉम द बट सेगमेंटिंग मीन्स हेयर वी बेसिकली ट्राई टू सेगमेंट अ टोटल कॉस्ट, यू कैन से टोटल प्रोजेक्ट हेयर बेसिकली बी सेगमेंट मीन्स बी डिवाइड दैट। ओके, मीन्स पार्टीशन द टोटल एस्टिमेशन टास्क इनटू सेगमेंट। ओके, सो हेयर वी बेसिकली पार्टीशन द टोटल एस्टिमेशन टास्क। ओके, नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट, दैट इज व्हाट हेयर बेसिकली विल डू एग्जैक्टली। ओके, सो सिंपली वे वी बेसिकली
Each segment is estimated, then the segment estimate are combined for the total cost estimate. Okay, means where basically we divide a whole project into a various segment, and for each segment we estimate the cost, and after that we basically complement all that things. Means suppose, let us take one example. Suppose one particular thing we divide a segment. Okay, suppose एक example रहते हैं पिज्जा का. Okay, so पिज्जा में क्या होता है भाई, various segment रहता है. Suppose let us consider 5 segment. So हर एक segment का पहले cost फाइंड कर ली, एंड आफ्टर दैट वी बेसिकली कंबाइन ऑल दैट कॉस्ट. ओके, सपोज लेट अस कॉस्ट फॉर फर्स्ट सेगमेंट इज 2 रुपीज, सेकेंड फॉर 3 रुपीज, थर्ड फॉर दिस 4 रुपीज, देन वी व्हाट विल डू बेसिकली आफ्टर फाइंडिंग द कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ इच सेगमेंट वी बेसिकली कंबाइन ऑल दैट. सो दिस इज आवर सेगमेंटिंग मॉडल. ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू कैन कंसिडर हेयर, दैट इज द अदर एग्जाम्पल सच इज द कार इज बींग बिल्ड. ओके, सो हेयर अगेन we are basically, or a company, when they form a car, there are various steps there, okay, such as the estimation for the manufacturing of tire, for engines, for what can we say, seat and various motor thing. So what they basically do, they will divide the whole project, or you can, here you can say project as a making of car. So what will do, they basically divide the all things in a segment, such as the cost for making a tire, cost for making a engine, for various important things, and after that they basically calculate the total cost. So this is our segmenting model. Okay, so this is actually a complex process, you can clearly visualize. Okay, let us come to our next very very important model, that is the cost index model. Okay, so after discussing the various important thing, let us discuss our important model, that is the cost index model. Okay, so what is actually the cost index model, guys? Okay, so first of all, before study the cost index model, you have to study about the cost index. So what actually cost index? Okay, so cost index is actually a weighted average cost of certain product in an economy at a particular point of time, means at a particular instant of time, what is the certain product cost, or you can say certain average cost for that particular product. So that is the cost index. Now cost index of base year. Okay, so generally in economics, cost index for best year is, we consider as 100. Okay, you have to remember this point, very very important. Sometimes single marks question came, that what is the cost index for the best year. Okay, so you have to write 100. Okay, yani ek marks ka aa jata hai. Okay, that is the part A. मीन्स क्वेश्चन बैंक में जो पार्ट ए रहता है, देयर दे बेसिकली आस अ सिंपल वन मार्क्स क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द कॉस्ट इंडेक्स ऑफ बेस ईयर. सो हेयर यू हैव टू आंसर 100. नाउ लेटर व्हाट विल डू बी हेयर, हेयर बेसिकली चेंज इन कॉस्ट इंडेक्स इंडिकेट चेंज इन कॉस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी, मीन्स हाउ द बेसिकली कॉस्ट इंडेक्स आर चेंजिंग, दैट डिटरमाइन द हाउ द टोटल इकोनॉमी आर बेसिकली चेंजिंग. ओके, एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली मिला हेयर सीपीआई. ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, it is a important cost index model too. There basically according to the cost level they determine the economy. Okay, again very very important model in context to exam. Okay, so this model is used where, okay, so this model is basically used when the capacity of production does not change but the period has changed. Okay, means when the, where the basically capacity of production does not change but period change. Okay, suppose let us take example of making you can say Sprite or various important things. So according to season, basically what, capacity are changing here. Okay, so here we can't consider as a cost index model. Okay, kyunki yahan par waise ko consider karenge jahan par kya capacity same rahe. Okay, but time period has changed. Okay, so you can consider as a, just such as we have given example such as a consumer price index. So what here basically done, actually the, you can say cost of purchasing rice, wheat, that all are basically what, सेम. मीन्स आपका जो हो सकता है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दें तो क्या होगा, फर्स्ट सेगमेंट में सपोज लेट अस कंसीडर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. ओके, सो हेयर देयर इज अ बेसिकली सेम डिमांड, अगेन मार्च टू अगेन अदर अगस्त सेम डिमांड, एंड अगस्त टू दिसंबर सेम डिमांड. सो हेयर व्हाट दे आर बेसिकली सेम, मीन्स आई वॉन्ट टू से हेयर दैट पीरियड आर चेंजिंग बट आवर डिमांड इज सेम. ओके, मीन्स कैपेसिटी जब सेम रहे बट डिमांड पीरियड चेंजेस, देन दिस वी कॉल, हेयर वी विल अप्लाई कॉस्ट इंडेक्स मॉडल. ओके, सो आई होप क्लियर. Let us come to our next very very important example. Okay, so suppose A is the time point of the past and B is the current time. Okay, so A is the suppose time of the past and B is the current time. Okay, so how we will basically estimate the cost of a particular, means at a particular instant of time. Okay, so let us consider 4A denote the index value at time A and 4B denote the current index value. Okay, or the cost estimate interest. So to estimate the cost based on the cost at a time A, what the formula that I have to use? Okay, I will also give one example. Okay, so cost at time B, how will you calculate cost at time A into 4B by 4A, means what is the cost index at a current time and that time that we want to calculate.
सिंपली यू हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट एट टाइम ए. ओके, सो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा. ओके, सो लेट अस टर्न टू वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल वन, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन. लेट द बेस ईयर बी 2000. कॉस्ट इंडेक्स इन 2020 इज 150 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बॉयलर इन 2020. ओके, सो इफ कॉस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ अ सिमिलर बॉयलर इन 2000 वाज रुपीज 10,000, देन बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट एट टाइम बी. और व्हाट कैन वी से, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट एट टाइम 2000. ओके, सो टाइम ए इज हियर व्हाट, 2000. ओके, सो लेट बी कंसिडर 2000 इज बेस ईयर. ऑल्सो इन क्वेश्चन दे आर गिवन दैट 2000 इज द बेस ईयर. ओके, सो बेस ईयर मान लिए 2000 एंड 4A इक्वल टू 100, मीन्स 4A यू कैन से द कॉस्ट इंडेक्स एट दैट टाइम इज 100. ओके, एंड टाइम बी इज 150. ओके, अब आप बोलेंगे भैया हाउ यू हैव टेकन 4A एज 100, मीन्स कॉस्ट इंडेक्स ऑफ 4A एज 100. बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया दैट इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू कंसिडर द कॉस्ट इंडेक्स ऑफ बेस ईयर एज 100. ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन भाई अपने को नहीं दिया है कि बेस ईयर का कितना है. ओके, सो इफ दे हैव नॉट गिवन, ऐसे भी हम लोग पता है कि बेस ईयर का कॉस्ट इंडेक्स 100 लेंगे. ओके, सो 100 आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस स्लाइड दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट कॉस्ट इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज 100. ओके, सो कॉस्ट इंडेक्स ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर इज 100 एंड कॉस्ट इंडेक्स ऑफ अदर ईयर इज 150. ओके, ऑल्सो कॉस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम दे आर गिवन दैट इज रुपीज 10,000. देन वी हैव टू कंसिडर द बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट एट टाइम बी. सो व्हाट वी विल डू, कॉस्ट इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इन टू द कॉस्ट एट टाइम दैट दे हैव गिवन. ओके, सो कॉस्ट इंडेक्स डिवाइड कर दे 150 अपॉन 100 इन टू 10,000. ओके, सो आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन विल गॉट आंसर एज 15,000. ओके, सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया. व्हाट दे वी हैव बेसिकली डू, कॉस्ट इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर टू बेस ईयर डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट दैट दे हैव गिवन. ओके, सो टू फाइंड द कॉस्ट एट टाइम बी. सिमिलरली इफ दे सेड दैट फाइंड द कॉस्ट एट टाइम ए. ओके, सो कॉस्ट एट टाइम ए अगर निकालना तो क्या करेंगे, कॉस्ट एट टाइम बी जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय बेसिकली कॉस्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर डिवाइड बाय द बेस ईयर. सो दिस इज आवर प्रोसेस. ओके, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल वन. लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल टू गाइज. ओके, सो व्हाट दे आर क्वेश्चन सेइंग. सो लेबर कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू इज 124, यानी 124 अपना कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है. ओके, 10 ईयर अगो. ओके, टाइम ड्यूरेशन इज 10 ईयर. ओके, सो 10 ईयर अगो इज 188, मींस कॉस्ट इंडेक्स वाज 188. यू कैन कंसिडर हियर दैट द दे हैव गिवन द टू कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू. ओके, अगेन एनुअल लेबर कॉस्ट फॉर फैसिलिटी वाज 5,75,000. देन व्हाट इज द लेबर कॉस्ट टूडे फॉर द सिमिलर फैसिलिटी. आप यहाँ पर देख सकते हैं, मीन्स बेसिकली टाइम ड्यूरेशन आर चेंजिंग. ओके, बट द कॉस्ट इंडेक्स आर सेम. ओके, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग द कॉस्ट इंडेक्स मॉडल. ओके, सो कॉस्ट एट टाइम बी विल बी व्हाट, कॉस्ट एट टाइम ए 4B अपॉन 4A. ओके, मीन्स एट दैट टाइम बेसिकली 124 वाज द कॉस्ट इंडेक्स एंड एट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम मीन्स एट करंट टाइम 188 है कॉस्ट इंडेक्स, देन 188 बाय 124 इनटू कॉस्ट एट टाइम ए. ओके, सिंपली वी आर मल्टीप्लाइड विद and means we have done the calculation. Okay, by multiplying 5,75,000 and we got the answer as 8 lakh or something. So this is our answer. I hope clear guys. Okay, I will also provide this all slide to my basically WhatsApp group. Okay, so if you haven't joined the WhatsApp group for getting free notes and various important things, then must join that group. There basically I am sharing a lots of informative content. Okay, for Java and coding and various important notes too. Okay, so actually this is our the end of session. Okay, let us come to the summary what we have discussed here. So here we are basically discuss three important model, per unit model, segmenting model and cost index model. Okay, where first of all I have discussed about the what is cost estimation. It's basically to estimate the cost, that we call it a cost estimation. Okay, next we have discussed about the what are the various types of estimation. So there are actually 5 types of estimation: per unit, segmenting, cost index model, power sizing model, learning curve model. Okay, so per unit, this is similar to unitary method. Yahan par hum ek product ka एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वैल्यू फाइंड करते हैं और सिंपली बी मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट वी हैव टू परचेज और बेसिकली वी हैव टू एस्टिमेट. देन इन सेगमेंटिंग मॉडल एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को सेगमेंट में डिवाइड कर दें, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था कार इंडस्ट्री या पिज्जा का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर क्या मैंने कार इंडस्ट्री का हर एक फेज होता है. ओके, सच एज द मेकिंग टायर, मीन्स फ्रॉम मेकिंग टायर टू मेकिंग सीट्स एंड मेकिंग इंजन, सो वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव डिवाइड द सेगमेंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच सेगमेंट एंड देन कंबाइन दैट, देन वी मर्ज दैट. सो दैट वी कॉल एज अ सेगमेंटिंग मॉडल. ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज द कॉस्ट इंडेक्स मॉडल. सो सिंपली हियर व्हाट वी आर डूइंग, कॉस्ट इंडेक्स मीन्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन्स हेयर देर बेसिकली टाइम पीरियड आर चेंजिंग बट वैल्यू आर सेम. ओके, और यू कैन से वैल्यू आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. ओके, सो हेयर वी हैव टू कंसिडर वन पॉइंट, दैट इज द कॉस्ट इंडेक्स फॉर बेस ईयर इज 100. ओके, सो इफ इन क्वेश्चन दे आर नॉट गिवन अबाउट द बेस ईयर वैल्यू, देन यू हैव टू गिव 100. अदरवाइज इफ दे हैव सेड दैट कॉस्ट इंडेक्स फॉर बेस ईयर इज दिस. ओके, बट इन मोस्ट ऑफ टाइम 100 यू हैव टू कंसिडर. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट इंडेक्स मॉडल.
दिस मॉडल यूज व्हेन व्हेन द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज बट टाइम पीरियड हैज चेंज, मींस कैपेसिटी आर नॉट चेंजिंग बट टाइम पीरियड हैज चेंजिंग, देन यू हैव टू अप्लाई द कॉस्ट इंडेक्स मॉडल का। ओके, सो पर यूनिट मॉडल कहाँ पर लगाएंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जहाँ पर सिंगल यूनिट का अगर वैल्यू दिया रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द अदर वैल्यू। सेगमेंटिंग मॉडल, जहाँ पर सेगमेंट रहे, ओके, मीन्स अदर अदर सेगमेंट करेगा, सबको कंबाइन करके मर्ज करके आप लोग वैल्यू निकालेंगे एंड कॉस्ट इंडेक्स में, अगर आपका मीन्स टाइम ड्यूरेशन बस चेंज कर रहा है बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नॉट चेंज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर, आई होप इन्फॉर्मेटिव टू यू, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग फील फ्री टू आस्क हियर, कमेंट हियर। ओके, आई हैव ऑलरेडी शेयर द नोट्स ऑफ लेक्चर 1, लेक्चर 2, एंड आई विल ऑल्सो शेयर लाइक लेक्चर नोट्स ऑफ 3 टू। ओके, सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई बेसिकली ट्राई टू इम्प्रूव समथिंग। ओके, इफ यू वाना सम अदर थिंग्स, ओके, क्योंकि लेक्चर 1, 2 में कमेंट आ रहा था, भैया क्वालिटी इज नॉट मच मोर गुड, दैट्स वाई आई ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ओके, इफ यू आर स्टिल फेसिंग एनी इशू, फील फ्री टू आस्क हियर, योर कमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग दिस प्लेलिस्ट का। Hope informative to you. Till then, bye bye. Meet you next video.